फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल से हम विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक पिक्चर अपने वीडियो में इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि हम गूगल से पिक्चर सर्च करते हैं तो स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली पिक्चर होती हैं, उनमें से कुछ रिलेटिव फ्री इमेज भी होती हैं। अगर हम उन्हें डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल करें तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, लेकिन हम उसे पहचाने कैसे? तो चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट्स लाजमी करना। सबसे पहले सर हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसके बाद जो तीन डॉट्स आपको ये ऊपर नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज डेस्कटॉप साइट में आ जाएगा। उसके बाद आप सर्च बार में लिखेंगे बैकग्राउंड फॉर वीडियो पिक्चर, तो हम सर्च करेंगे तो ये पिक्चर्स आ जाएंगे। उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है, जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर्स आ गई। तो हमें यहाँ से कोई पता नहीं चलेगा तो कौन सी पिक्चर है जो विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक है, कौन सी रिलेटिव फ्री इमेज है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स, या आप इस टूल्स पे जिसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होंगे साइज कलर टाइप टाइम। आपको यूजेज राइट्स पे क्लिक करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन शो होंगे। आपको उसके बाद क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर्स रिफ्रेश होकर सारी शो हो जाएंगी जो विदाउट कॉपीराइट्स हैं। यहाँ से आप पिक्चर्स डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। यहाँ से आप जो भी पिक्चर्स चाहें डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। पिक्चर्स को कैसे डाउनलोड करें? तो हम इस पिक्चर को डाउनलोड करते हैं, हम इस पर अपनी फिंगर रख कर प्रेस करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3-4 सेकेंड में आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, तो आपको इस तरीके से डाउनलोड पिक्चर्स करनी है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।